यूपी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन जिन्हें उम्मीद है कि अगली लिस्ट में उनका नंबर जरूर आएगा, ऐसे कैंडिडेट्स ने भी डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। मगर एक सीट पर टिकट को लेकर बीजेपी धर्मसंकट में फंसती दिखाई दे रही है। लखनऊ की एक सीट पर पति और पत्नी दोनों टिकट के लिए अड़ गए हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। टिकट आपको या दयाशंकर जी को? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब अगर आप संगठन से पूछेंगे, मैं संगठन की कार्यकर्ता हूँ। पिछली बार भी मैं ही था, पिछली बार वो नहीं थी, लेकिन पार्टी ने कहा कि उनको लड़ाइए तो मैंने उनको लड़ाया, या पार्टी कहे कि तीसरे को भी लड़ाना है उसको लड़ाऊंगा। कहते हैं सियासत जो ना कराए वो कम, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लखनऊ में सामने आया। यहाँ पति पत्नी के बीच दिलचस्प लड़ाई छिड़ी हुई है। ये जंग लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर उम्मीदवारी को लेकर है। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी की स्वाति सिंह विधायक हैं, स्वाति सिंह योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन इसी सीट को लेकर अब उनके पति दयाशंकर सिंह ने भी दावेदारी ठोक दी है। दयाशंकर सिंह यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में कोई भी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं, और ये पूरी तनातनी TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में सामने आ गई। दयाशंकर सिंह ने जो बातें बताई उनसे उनका दर्द बाहर आ गया। स्वाति सिंह आपकी धर्मपत्नी तो वो वहाँ से हैं, आप भी हैं, तो फिर कैसे होगा इसमें, रास्ता क्या होगा? देखिए पिछली बार भी मैं ही था, पिछली बार वो नहीं थी, लेकिन पार्टी ने कहा कि उनको लड़ाइए तो मैंने उनको लड़ाया, पार्टी कहेगी कि उनको लड़ाना है तो उनको लड़ाएंगे, पार्टी कहेगी कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, या पार्टी कहेगी कि तीसरे को भी लड़ाना है उसको लड़ाऊंगा। मतलब ये क्लियर है कि आप दो में से एक, या तो आप या फिर स्वाति सिंह, आप दोनों दावेदार नहीं हो सकते हैं। ये तो पार्टी को तय करना है कि किसको लड़ाना है। दयाशंकर जी का रुख बिल्कुल साफ है, पोस्टर लग गए हैं, प्रचार पूरे जोर शोर से जारी है। लेकिन जब TV9 रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने स्वाति सिंह से टिकट को लेकर बात की, उनसे पूछा कि क्या इस बार वो पति के लिए सीट छोड़ेंगी, अपनी दावेदारी छोड़ेंगी, आप हैरान रह जाएंगे कि अभिषेक उपाध्याय ने स्वाति सिंह से कम 9 बार ये सवाल पूछा, लेकिन स्वाति सिंह ने पति की दावेदारी पर चुप्पी साध ली। पर टिकट तो आपके पति मांग रहे हैं दयाशंकर जी, वो कह रहे हैं या तो उनको मिलेगा या आपको मिलेगा, क्या उनके लिए बलिदान करने को तैयार हैं आप अपने टिकट का? इस चुप्पी के महीने क्या हैं स्वाति जी, इस तरह के बार बात करेंगे क्या? इसलिए आप बताइए टिकट आपको या दयाशंकर जी को? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब अगर आप संगठन से पूछेंगे, मैं संगठन की कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी में संगठन निर्णय लेता है, कोई व्यक्ति विशेष निर्णय। वो कह चुके हैं कि दो में से एक ही लड़ेगा, आपके पति कह चुके हैं, ये परिवारवाद का आरोप भी लग रहा है स्वाति जी आप पर, लग जाएगा मुझे ऐसे नहीं, नहीं, आपको नहीं लगेगा कुछ जवाब, कई विवाद भी जुड़े आपके नाम के साथ में। देखा आपने, कैमरा चालू था लेकिन स्वाति सिंह ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और बिना ज्यादा कुछ कहे कैंपेनिंग के लिए आगे निकल गई। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, टिकट को लेकर पति पत्नी की खींचतान विकट हो चुकी है और यही बीजेपी के लिए बड़ा धर्म संकट है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी ने तय किया है कि परिवार से किसी एक शख्स को ही टिकट मिल सकता है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार बनता कौन है। अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता, कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।